हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रणविजय सिंह है और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू कॉन्फ़िगर डीएससीपी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल ऑन योर नेटवर्क राउटर। अगर आप नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई भी वीडियोस को, कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसे कि आपके सामने मैंने आप एक सेटअप कर रखा है। यहाँ पे मेरे पास ये मेरा नेटवर्क राउटर है और नीचे काफ़ी सारे सिस्टम्स लगा रखे हैं और यहाँ पे मैं जो आईपीज अलॉटमेंट करूँगा वो मेरा नेटवर्क होगा 192.168.1.0 का, जो कि मेरा क्लास सी का आईपी है। इससे सबसे पहले मैं अपने इंटरफेसेस को अप करता हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास ये इंटरफेस है वो है मेरा गीगा इथरनेट पोर्ट। इसको अप करने के लिए मैंने राउटर को ओपन करके कमांड लाइन इंटरफेस मोड पर जाना है और सबसे पहले नो लिखना है, उसके बाद एनेबल, उसके बाद मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाऊंगा और यहाँ पे इंटरफेस को सिलेक्ट करूंगा। मेरे पास यहाँ पे इंटरफेस कौन सा है, गीगा इथरनेट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0। ये लिखने के बाद गाइस मैं अब इसको आईपी दूंगा, तो इसका जो आईपी होगा वो होगा 192। आईपी एड्रेस लिखने के बाद मैं लिखूंगा इसका आईपी 192.168.1.1। गाइज ये अच्छी तरह समझ लेना, जो यहाँ पे मैंने नेटवर्क है वो मेरा 1.0 है, लेकिन जो आईपी असाइनमेंट होगी वो मेरी 1 से ही शुरू होगी। उसके बाद इसका मैं इसके अलॉन्ग विद इसका सबनेट मास्क लिखना है, जो कि है 255.255.255.0। ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट लिखना है नो शटडाउन लिख दिया। उसके बाद आपने ये इंटरफेस ग्रीन होने का वेट करें। तब तक मैं यहाँ पे इसके नंबरिंग दे देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैंने यहाँ पे आईपी कौन सा दे रखा है। मैंने यहाँ पे आईपी दे रखा है इस इंटरफेस को 192.168.1.1। ये देने के बाद अब मुझे याद रहेगा कि मैंने ये इंटरफेस को क्या आईपी दे रखा है। उसके बाद जब तक आपका ये इंटरफेस ग्रीन होता है आपने यहाँ पे अपने इस कमांड लाइन मोड में दोबारा जाना है और यहाँ से एग्जिट आके अब आपने यहाँ पे डीएससीपी एनेबल करनी है ताकि जितने भी नीचे सिस्टम्स हैं सबको आईपीज मिल सके। अभी देखिए मेरे कोई भी नीचे सिस्टम्स को आईपी नहीं मिला है, मैंने सिर्फ नीचे आईपीज वैसे लिखा है कि इनको ये आईपी मिले। अब यहाँ पे देखिए इसको भी कोई आईपी नहीं है, यहाँ पे भी कोई आईपी नहीं है। मेरा लिंक तो अप है लेकिन मेरा आईपीज कोई भी नहीं है। तो उसके लिए आपने दोबारा अपने नेटवर्क राउटर पे जाके यहाँ पे जो आपकी नेक्स्ट कमांड आएगी वो होगी आईपी डीएससीपी पूल और नेम में आप कोई भी नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट एंटर। इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने इसमें नेटवर्क बताना है कि कौन सा नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हो। मेरे यहाँ पे नेटवर्क कौन सा है गाइस, मेरा नेटवर्क है 192.168.1.0। जो मेरा ये नेटवर्क है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पे, उसके बाद अलॉन्ग विद इट सबनेट मास्क जो कि है 255.255.255.0। ये लिखने के बाद मैं इसको एंटर कर दूंगा और मेरे पास जो अब नेक्स्ट मैंने लिखना है वो है मेरा डिफॉल्ट राउटर। मेरा डिफॉल्ट राउटर कौन सा होता है, जो कि मेरा ये गीगा इथरनेट पोर्ट का आईपी होता है, इसे हम डिफॉल्ट गेटवे भी कहते हैं। तो इसके बाद अपने मैं यहाँ पे डिफॉल्ट राउटर लिखना है जो कि मेरा है 192.168.1.1। ये लिखने के बाद आपने इसके साथ कोई सबनेट मास्क लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, डीएनएस सर्वर लिखना है। मैं यहाँ पे डीएनएस सर्वर लिखता हूँ जो कि मेरा गूगल का होता है 8.8.8.8। ये बाय डिफॉल्ट यही होता है, आप इसे यही एंटर कर दीजिएगा या इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसको चेंज कर दीजिएगा। इसके बाद एंटर। अब यहाँ पे मेरी ये डीएससीपी कमांड सक्सेसफुल हो चुकी है, लग चुकी है। लेकिन मैंने कुछ आपको जैसे पहले बताया था कि मैं आईपीज को सेव करना चाहता हूँ, तो जो मेरा यहाँ पे पहला आईपी यूज्ड हो चुका है वो है 1 और यहाँ से जो अलॉटमेंट शुरू करना चाहता हूँ वो है मेरी 11 से, यानी कि मैं सेव करना चाहता हूँ 2 से लेके 10 तक आईपीज किसी को ना मिले डीएससीपी। तो उसके लिए कमांड्स क्या है वो आप लिख लीजिए, आईपी डीएससीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस। और एक्सक्लूडेड एड्रेस लिखने के बाद आपने स्टार्टिंग आईपी जो आपने एक्सक्लूड करना है वो लिखना है, यानी कि 192.168.1.2। मैं चाहता हूँ कि 2 से लेकर 192 मैक्सिमम जो आईपी आप बचाना चाहते हो वो आपने लिखना है .168.1.10। मैं चाहता हूँ 2 से लेकर 10 तक आईपी डायनामिकली किसी को भी ना मिले। तो ये लिखने के बाद अब मैं एंटर जैसे करूंगा तो अब मेरे डीएससीपी क्या होगा कि वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आईपीज किसी को नहीं देगा और अब जो आईपी असाइनमेंट होगी वो होगी फ्रॉम 11 से शुरू। सबसे पहले मैंने अपने सिस्टम्स पे जाके देखता हूँ कि मुझे आईपी कैसे मिला है।
मैं डेस्कटॉप मोड पे जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊंगा और ये डीएससी पे मैं जैसे ही सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट आईपी मुझे मिलेगा वो होगा मेरा 11 से शुरू, क्योंकि मैंने 2 से लेकर 10 तक को एक्सक्लूडेड कर रखा है डीएससीपी से, इसलिए। वैसे इन द सेम वे अब इसको मैं करूँगा तो यहाँ पर मुझे ये 12 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट देखना चाहता हूँ तो वो सबको मेरा यही आईपी एड्रेस मिल चुका होगा जो कि मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखा है। अब इसको ये 13 होगा, यहाँ पे ये 14 होगा और यहाँ पे ये साइड बाय साइड चलता रहेगा जो आप चाहते हैं लिखना। अब आपको गैस समझ आ गया होगा कि कैसे आप डीएससीपी अपने नेटवर्क राउटर पे कॉन्फ़िगर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।